हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। तो आज के सेशन में हम जो है आगे पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमने नया चैप्टर शुरू किया है, जिसमें कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी होता क्या है और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि एक बिजनेस को जो है हम बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूरा देखेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है किस तरीके से जो है अपने टेक्नोलॉजी वगैरह को हम किस तरीके से यूज़ करें टू कन्वर्ट द आइडियाज़ इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो इन सब चीज़ों पे उसको ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो जो है एफिशिएंसी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट्स को बना सके एंड जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑल दीज थिंग्स कॉस्ट को भी अपना रिड्यूस कर सके। तो जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को अगर हम एनालिटिकली देखें तो वी कैन डिवाइड इट इनटू मेनली थ्री स्टेजेस। तो जो तीन स्टेजेस हैं उसमें से जो पहला स्टेज आपका है दैट इज योर इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है कि भाई कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है, ओके, एंड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए, देखो हर चीज नीड बेस्ड होता है, जब कोई नीड होगा, किसी चीज का नीड आपको लगेगा तो आप उस पर काम करोगे। सिमिलरली यहाँ पे जो है आपके पास एक रीजन होगा कि भाई मेरे को या तो मेरे को एक नया प्रोडक्ट बनाना है, या तो मेरे को नया कोई सर्विस प्रोवाइड करवाना है, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेरा प्रोडक्ट है उसको और एफिशिएंट बनाना है, या फिर उसके उसमें थोड़ा सा चेंजेस कुछ लाना है। तो वो आपका जो है वो डिटरमाइन करेगा कि आप जो है किस तरीके का टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंज में, डायनामिक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज में सबसे पहला चीज आपका मेनली क्या आता है, इन्वेंशन, कि आपको क्या रीजन है, किस वजह से आप जो है उस रीजन को, उस क्या वो वजह है जिसके कारण आप ये टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हो। एंड नेक्स्ट वन इज योर इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है पुटिंग इनटू यूज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस। कोई भी नया चीज है उसको आप उसको किस तरीके से जो है आप उसको यूज में ला रहे हो। एंड द थर्ड वन इज योर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक्सटेंडिंग द न्यू प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बियॉन्ड जस्ट यूज। तो आप किस तरीके से फर्दर उसको जो है आप यूज कर रहे हो, किस किस तरीके से फर्दर उसका एप्लीकेशन हो रहा है, दैट विल ऑल कम अंडर योर डिफ्यूजन। तो अगर हम डायनेमिक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करें तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस, और वो स्टेजेस में पहला स्टेज आपका है इन्वेंशन, जो सेकेंड स्टेज है आपका दैट इज कॉल्ड इनोवेशन, एंड योर थर्ड स्टेज इज डिफ्यूजन। अभी जो डायनेमिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज जो है इसमें सेवरल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, ओके। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनको अफेक्ट करते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। देखो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और या फिर आपको अगर डेवलपमेंट करना होगा तो वो एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितने हटके खड़े रहते हो, या फिर आप अपना एक यूनिक प्रोडक्ट जो है किस तरीके से सेल करते हो। एंड इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, एंड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा R&D की ज़रूरत होती है, एंड R&D में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा होता है इसके कारण। जैसे आपका रैनबैक्सी हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लैब हो गया, आप देखोगे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह में जो है उसमें रिसर्च, वो सब रिसर्च बेस्ड कंपनीज हैं, तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है इन सारे R&D एक्टिविटीज से। सेकेंड आपका है कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। अब कस्टमर का जो नीड है, कस्टमर जो एक्सपेक्ट करता है हमसे, वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि हम किस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन किस हिसाब से होगा, वो डिपेंड करेगा कस्टमर के। अगर कस्टमर चाहता है कि हम कोई लेट्स से हम एक फ़ोन बना रहे हैं एंड अवर कस्टमर वॉन्ट्स कि हम जो है और स्लिम फ़ोन बनाएं या फिर कुछ और चीज़ बनाएं, लेट्स से स्लिम फ़ोन का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, अवर कस्टमर वॉन्ट्स कि हम स्लिम फ़ोन बनाएं, तो वो कस्टमर का नीड हो गया। एंड हम लोगों को, हम एज अ कंपनी, हमको पता है कि कस्टमर क्या चाहता है एंड वी हैव टू डिलीवर द प्रोडक्ट, वरना कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर स्विच कर जाएगा, किसी और कंपनी से ले लेगा, और कोई कंपनियों की कमी थोड़ी है। तो यहाँ पे वो नीड राइज होता है कि हम जो है अपने टेक्नोलॉजी को चेंज करें, हम भी जो है कुछ हमारा जो टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन किस हिसाब से रहेगा वो विल डिपेंड अपॉन अवर कस्टमर नीड। थर्ड इज योर चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। अगेन जो चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी होगा इट विल डिपेंड ऑन द डिमांड। सो जो डिमांड रिलेटेड वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करेगा कि आपका चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो किस हिसाब से रहेगा। अगर ज़्यादा आपका दिख रहा है कि ज़्यादा पोटेंशियल है डिमांड में, तो आप क्या करोगे कि अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन वगैरह को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे।
नेक्स्ट इज सप्लायर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. सप्लायर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है, इट इज येट अनदर सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज. तो अगर हमको लगता है कि भाई किसी भी प्रकार से हमको जो है सप्लायर या फिर कैपिटल गुड उनके चक्कर में जो है, अगर हमें लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी चेंज की ज़रूरत है, तो कंपनीज जो है वो अपग्रेड कर देती है अपना टेक्नोलॉजी को, अगर सप्लायर बोलते हैं तो. फिर हमारे पास आता है कॉम्पिटिटिवनेस. कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप जो है कॉम्पिटिटिवनेस किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, हर कंपनी चाहती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर हो, है ना. तो उस चक्कर में जो है आप इतना ज़्यादा इनोवेशन देखते हो मार्केट में, बहुत ज़्यादा इनोवेशन देखते हो. देखो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को ले लो, उसके इतने सारे वेरिएंट्स आपको मिलेंगे. फ़ोन ही अगर आप ले लो तो फ़ोन के ही इतने टाइप के फ़ोन मिलेंगे. कुछ फ़ोन का कैमरा अच्छा होगा, कुछ फ़ोन में स्पेस अच्छा होगा, कुछ फ़ोन का क्लैरिटी अच्छा होगा. मतलब बहुत सारे ऐसे आपके पास ऑप्शंस इतने सारे हैं, और वो ऑप्शंस इतने सारे इसलिए क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है. सारे कंपनीज चाहते हैं कि हम उनका प्रोडक्ट को लें, तो कंपटीशन से भी जो है इट विल आल्सो अगेन जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा कि हम किस तरीका का जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर रहे हैं. अब इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया और जापान का हम एक एग्जाम्पल लें, तो जापान में आपको ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट प्रोडक्ट्स वगैरह मिलेंगे. वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहाँ का टेक्नोलॉजी जो है वो सुपीरियर है. अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया में स्टिल जो है वो टेक्नोलॉजी थोड़ा सा पीछे का यूज़ हो रहा है. तो इस कारण जो है हमारा प्रोडक्ट उतना कंपेटिटिव नहीं है जैसे वहाँ आपको मिलता है. नेक्स्ट अगर हम और बात करें सब्स्टिट्यूट्स की, अगेन टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट वही चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स कितने हैं. ओके, या फिर आपको ही अपने प्रोडक्ट का ही और सब्स्टिट्यूट जो है वो आप दूसरों से अलग किस तरीके से रहोगे. मतलब ज़रूरी नहीं है कि लोग आपका प्रोडक्ट ही ले, आपके बदले आप वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो होते हैं वो दूसरे का प्रोडक्ट ले लेंगे. तो ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. उसमें भी जो है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जो है वो इफेक्ट करेगा. नेक्स्ट इज सोशल फोर्सेस. सोशल फोर्सेस मतलब कि काफ़ी सारे सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, ये सारे सोशल चीज़ें आती हैं. अब जैसे एसी का हम एग्जांपल ले रहे थे, एसी में आपको पता है कि किस तरीके से हम बहुत ज़्यादा एक टाइम में जो है एक ये निकला था कि हार्मफुल गैसेज वगैरह निकलते हैं, जैसे ओजोन लेयर वगैरह डिप्लीट होता है. तो वो सब जो है वो सब को देख के जो है किस तरीके से वो, अगर वो एक सोशल आपका कॉज रहेगा कि उस वो हमारे सामने एक प्रॉब्लम है जो कि सबको फेस करना है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या टेक्नोलॉजी में चेंज लाएंगे. एसी का जो करंट टेक्नोलॉजी उसमें क्या हम चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि ओजोन लेयर कम से कम डिप्लीट हो या फिर कम बिल्कुल भी डिप्लीट ना हो. तो ये तरीके के ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण अगेन जो है हमको सोचना पड़ता है, हमें डिपेंड करना पड़ता है कि हम जो है कुछ अलग से हटके जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करें. एंड नेक्स्ट वी हैव कंट्रीब्यूशन बाय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. वेरियस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी है जो कि अपना जो है जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह है जो कि इंस्टीट्यूट्स है, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया. तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूट है. डिफेंस में यू हैव द बाबा एटॉमिक रिसर्च रिसर्च सेंटर. तो ये सारे जो है R&D एक्टिविटीज करते रहते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है ये भी लाते रहते हैं ताकि हम जो है बाकी कंट्रीज से ज़्यादा आगे निकले. तो अगेन ये भी एक फैक्टर है जिससे कि हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होता है. एंड फाइनली वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट का जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस हिसाब से है, वो भी जो है वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगी इंडिया के ग्रोथ पे. सो गवर्नमेंट पॉलिसी बियरिंग ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज येट अनदर फैक्टर इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट विच हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इन इंडिया. तो गवर्नमेंट किस हिसाब से पॉलिसी को रिलैक्स कर रही है, जॉइंट वेंचर किस तरीके से वो जो है वो अलाउ कर रही है, टेक्निकल नो हाउ टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर को कैसे अलाउ कर रही है. तो अगेन ये सारा भी डिपेंड करेगा हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट को किस तरह, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से रिलैक्स कर रही है, लिबरलाइज कर रही है, तो हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट ऑल ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, है ना. हम भी दूसरों की तरह जो है, दूसरे कंट्रीज की तरह हम भी नई चीज़ें सीख लेंगे, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और हमारा टेक्नोलॉजी जो भी है वो सुपीरियर हो जाएगा. सो ऑल दिस वॉज विच विथ रिस्पेक्ट टू डायनामिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से चेंज होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फोर्स करती है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि फोर्स करती है जिसके कारण हमें अपने टेक्नोलॉजी करंट टेक्नोलॉजी को बदलना पड़ता है.
वो सब हमने यहाँ पे आज देख लिया।